हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मोदक। इसके लिए मैंने नारियल लिया है, ऐसा ग्रेट करके एक कटोरी। वो कच्चा वाला नारियल है, जो सूखा है वो भी ले सकते हैं, मैंने कच्चा वाला लिया है। और आधी कटोरी शक्कर ली है। चलिए फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग बनाते हैं। पहले गैस के ऊपर एक पैन रख देना है। पैन रखने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद हम जो नारियल को ग्रेट करके लिए थे वो डालेंगे। हमें मीडियम गैस रख के इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। ज़्यादातर गुड़ डाल के बनाते हैं, मैं शक्कर डाल के बना रही हूँ चीनी डाल के। इसके लिए मैंने आधा कटोरी से थोड़ी कम शक्कर ली है। शक्कर डाल के अच्छे से मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से गैस कम रख करके अच्छे से फ्राई करना है। इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। कल गणेश चतुर्थी है, इसके लिए मैं गणपति पापा स्पेशल मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ। अब देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हमें गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है बाजू में, जब तक हम इसको आटा आटा लगा लेते हैं। मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, वही सेम कटोरी में 1 कटोरी पानी लिया है। ये चावल का आटा है। एक हमें कढ़ाई रख देनी है गैस के ऊपर, उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। जितना आटा लिया है उतना ही पानी डालना है, हमें कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हम थोड़ा सा घी डालेंगे उसमें। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। थोड़ा सा डालना है, आधा चम्मच से भी कम थोड़ा। पानी अच्छा उबल चुका है, अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 पिंच इतना। पानी अच्छा उबलने के बाद हमने जो 1 कटोरी आटा लिया है वो डाल के अच्छे से मिक्स करके गैस बंद कर देना है। आटा डालते ही हमें गैस को बंद कर देना है और आटे को अच्छे से मिक्स करके ऊपर उसका ढक्कन रख के उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है पकने के लिए, गैस बंद कर देना है। भाप से अच्छे से आटा तैयार होता है। अंदर दिखने के लिए ड्राई है लेकिन अभी देखेंगे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है पूरा आटा। ये देखिए इस तरह बनता है। इसे हमें ठंडा होने के लिए 5 मिनट रख देना है। इसको गरम गरम अच्छे से नहीं गूंदेंगे। ये देखिए मैंने एक बड़े प्लेट में निकाल लिया है। इसको अच्छे से हाथ को थोड़ा घी का हाथ लगा के अच्छे से गूंदना है। अब घी तेल कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छे से इसे मैश करके अच्छे से आटा तैयार करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैंने आटे को अच्छे से रेडी कर लिया है। अच्छे से सॉफ्ट और चिकना बन जाता है आटा। हम जितना आटा अच्छे से गूंदेंगे उतना अच्छे मोदक तैयार होते हैं। आप इसके चावल के आटे की जगह रवे से भी बना सकते हैं। रवे के भी सेम ऐसे ही बनते हैं, सेम प्रोसेस से बनाना है। अब बनकर तैयार है। जब तक हमारा रवा स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है, चलिए फिर मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा पेड़े जितना आटा लेके हाथ पे अच्छे से करके पेड़ा बना लेना है। सेम वीडियो में दिखाई वैसे आप बना सकते हैं। हाथ से हमें इसको पतला कटोरी जैसा शेप देना है, थोड़ा हल्का सा। देखिए ऐसे बनाना है। तो थोड़ा सा स्टफिंग डालना है अंदर। हमें इसमें ज़्यादा फिल नहीं करना है, नहीं तो फूट जाते हैं। थोड़ा सा स्टफिंग डालना है और साइड से ऐसे कॉर्नर को ऐसे पकड़ के दबा देना है। मैं तो हमेशा ही सिंपल से ही बनाती हूँ लेकिन पहली बार इस थोड़े अलग तरह से इसे ट्राई कर रही हूँ। मैं तो सिंपल बनाती हूँ, ऐसे उतना नहीं आता मुझे ज़्यादा कली निकालना। उसका सिंपल तरीके से बनाकर दिखाई आपको।
उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा आपको, वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने एक एक करके ऐसे पूरे बना लेती हूँ, मुझे कलियाँ उतना अच्छी नहीं आती, जैसे आते वैसे बनाकर दिखाने की कोशिश की है। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे सेम गेहूं के आटे से बनाकर उसको तेल में फ्राई करके बना सकते हैं, उसको दो तरह से बना सकते हैं मोदक को। मैं तो हमेशा ये देखे ऐसे सिंपल से बनाती हूँ, लेकिन इस बार ओकली जैसे ट्राई किया है थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बन के तैयार है, अब हमें इसे स्टीम करना है। इसके लिए मैंने एक पतीले में 1.5 गिलास पानी डाल के गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। एक छन्नी लेके उसमें अंदर से थोड़ा घी प्रेस करके उसके ऊपर हमें रख देना है पूरे मोदक। अब पानी अच्छे से गर्म हो गया है, और छन्नी को और पतीले के ऊपर रख दे के ऊपर से लीड से कवर कर देना है, और इसको 7-8 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देना है। अच्छे से स्टीम होने के बाद ये देखिए, हमें एक बार चेक कर लेना है, हाथ को नहीं चिपकेगा तो समझ जाना हमारे मोदक बनकर तैयार है, अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए हाथ को नहीं चिपक रहे। अब ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ठंडा होने के बाद हमें एक प्लेट में निकाल के सर्व करके दिखाती हूँ। अब प्रसाद के लिए मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक अच्छी रेसिपी के साथ।